Assalamu alaikum. Welcome the students of class 5. Today we are dealing with the unit number 7, which is environment. So students, we are dealing at page number 67, 68 or 69, and the topic is biodegradable and non-biodegradable. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to understand about the biodegradable and non-biodegradable waste materials. So today we will discuss about biodegradable and non-biodegradable waste materials, that how can they produce, and iske alawa hum log kis tarah jo hai iska istemal kar sakte hain, theek hai, aur ye environment pe iske kya effects padte hain, aur jo hai kaun se methods hain aise jiske through jo hai hum इन वेस्ट मटेरियल को जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, सो ये सब कुछ आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरली डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, मतलब कि कुदरती तौर पर किसी भी चीज़ का गल जाना या ख़राब हो जाना, ठीक है, ऑटोमेटिकली नेचुरली. सो इसको हम कहते हैं कि ये वो चीज़ जो है वो बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, अब जैसे कि एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, ह्यूमन्स की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, ठीक है, ह्यूमन्स जो हैं जब आफ्टर डेथ उनको बर्ड किया जाता है, ठीक है, सो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नेचुरली जो हैं वो ज़मीन के अंदर जो है सॉयल के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, इसी तरह जब प्लांट्स हैं जब वो टूटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो कुछ अरसे के बाद जो है वो उनके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, और ये पीसेस जो हैं जब वो सॉयल के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉयल का ही हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है, सो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस हैं. ठीक है, दैट्स वाई जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं. ठीक है, और जो भी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स से बनती हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें भी क्या होंगी, बायोडिग्रेडेबल होंगी. इसके अलावा दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आर एनवायरनमेंट. क्यों? बिकॉज जब ये बॉडीज़ जो होती हैं वो जब डिकम्पोज होती हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं वो सॉयल के अंदर कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, सॉयल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंड देन ये जो है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट, हेयर इज़ सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, मतलब फ्रूट्स के और डिफरेंट वेजिटेबल्स के जो हैं छिलके जो होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इसके अलावा ग्रास कटिंग्स होती हैं, पेपर्स, इसके अलावा लीव्स और ऐसे बैग्स जो कि प्लांट्स फाइबर्स से बनते हैं, उनको जो है हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और वेस्ट, मतलब कि किस तरह जो है हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ ब्रोकन डाउन. कौन कौन से हैं वो तरीके? नंबर वन, बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो डिकम्पोज किया जाता है इन चीज़ों को. ठीक है, इसके अलावा फंगे के ज़रिए जो है वो डिकम्पोज किया जाता है. इसके अलावा जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो अक्सर जो है डिफरेंट एनिमल्स को जो है वो खा जाते हैं. ठीक है, आफ्टर द डेथ जो है उनको खा जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा सनलाइट के थ्रू और हीट के थ्रू जो है वो डिकम्पोज किया जाता है इन चीज़ों को. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते. ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बिकॉज जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होती हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती. ठीक है, उनको डिफरेंट मटेरियल्स और केमिकल्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है. दैट्स वाई अगर हम उनको नेचुरली डिकम्पोज करने की कोशिश भी करेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिकम्पोज दैम. सो दैट्स वाई
we cannot decompose them naturally. और इसके अलावा इसका एक नुकसान ये भी होगा कि बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद होते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है. बिकॉज अगर हम इन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को ज़मीन के अंदर जो है वो बरेट करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉयल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेट कर हो जाती है, ठीक है. बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स और मटीरियल्स जो होते हैं वो कम्बाइन हो जाते हैं, सो ये ज़मीन को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, बंजर बना देती है, ठीक है. और इससे क्या होता है कि वहाँ जो न्यू लाइफ की ग्रोथ का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. Next, here are some examples of non-biodegradable waste. So, number one is plastic bags, computers, mobile phones, metal cans, glass bottles, and TV sets. ये वो सब चीज़ें हैं जो कि naturally decompose नहीं हो सकती, ठीक है. So, that's why they are non-biodegradable waste products. Next, decomposition of non-biodegradable waste. कि इन चीज़ों को डिकम्पोज करने का क्या तरीका है, किस तरह हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं. सो द बेस्ट वे टू डील विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू रीयूज और रिसाइकल. मतलब हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जो है ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उनको हमें क्या करना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके उनको रीयूज़ करें या फिर उनको रिसाइकल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल्स, अगर आपके पास जो है कोई भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं कि आप उनको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फेंक दो, ठीक है. आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए जो है उनको यूज़ कर सकते हो. इसी तरह अगर आपका कोई भी कंप्यूटर है या मोबाइल वगैरह है तो उनमें से कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा अगर, तो लाजमी नहीं कि आप उनको फेंक दो, ठीक है. आपको चाहिए कि आप उसको उनके उस पार्ट्स को जो है वो रिसाइकल करवाओ. और उनमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो बेहतर है कि हमें चाहिए कि हम लोग बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है वो फेंक दें ज़मीन पर या कूड़े में डाल दें, इससे बेहतर है कि हम इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रीयूज़ करें और रिसाइकल करें, ठीक है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेफ रह सके. नेक्स्ट है जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ. कि मतलब वैसी ज़िंदगी में तो इसके डिफरेंट जो है इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो है वो एनिमल लाइफ के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है. बिकॉज लाजमी नहीं है कि जब हम लोग जो है ये वेस्ट मटेरियल जो है वो जब थ्रो करते हैं तो इससे खाली ज़मीन ही हमारी कॉन्टेमिनेट होती है, बल्कि इससे जो एनिमल लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर भी, और वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं इन वेस्ट मटेरियल्स की वजह से. अब यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. फॉर एग्जांपल, द लैक ऑफ न्यू प्लांट्स इन एन एनवायरनमेंट हार्म द फूड चेन. क्या होता है कि जब हमारी जो सॉइल होती है जब वो कॉन्टेमिनेट हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, ठीक है. जब फूड चेन सही नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स से जो है वो एनर्जी जब हासिल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो प्लांट्स ना होने की वजह से वो एनर्जी नहीं हासिल कर सकते, ठीक है. सो दैट्स वाई इस तरह जो है इनके ऊपर एनिमल्स लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इसका. इसके अलावा जब हम इन वेस्ट मटेरियल्स को किसी भी ओशन में वाटर के अंदर फेंक देते हैं तो इससे जो मैरीन लाइफ होती है, एनिमल लाइफ जो होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो है डिफरेंट केमिकल्स और जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं. इसके अलावा अक्सर जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उनमें रिंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये रिंग्स जो होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि ये इजीली जो हैं वो बर्ड्स की नेक में फिट हो सकती हैं, ठीक है. सो इससे क्या होता है कि ये इनकी मौत का सबब बनती हैं. सो इस तरह ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये एनिमल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शो करती हैं. नेक्स्ट है जी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. बच्चों, साइंटिस्ट ने जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि किस तरह जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट को जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। सो उन्होंने इस पर्पज़ के लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है उन्होंने फाइनली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के थ्रू जो है वो प्लास्टिक को जो है वो बना लिया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इजीली जो है ये प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज हो सकती है, क्योंकि इस प्लास्टिक में ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं नेचुरली। हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन। एंड नेक्स्ट एट द एंड देयर इज सम रिव्यू क्वेश्चन आंसर्स फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज मेंट बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है। सो द आंसर इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेस नेचुरली वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डज नॉट डिकम्पोज नेचुरली। वही बात कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली जो हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज लैंड पोल्यूशन, हाउ इट कैन कॉज्ड एंड व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस इट। सो द आंसर इज लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, डंपिंग ऑफ रबिश, केमिकल्स एंड अदर डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस यूज्ड बाय फैक्ट्रीज। इट कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट व्हिच इज क्रिएटेड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग मटेरियल्स। तो बच्चों, लैंड पोल्यूशन की जो मेन कॉज है वो है हमारा बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, मतलब कीड़े मारद व्याज जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो फेंकते हैं, ये हमारे लैंड पोल्यूशन की वजह है। उसके अलावा जो है डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट पॉइजनस केमिकल्स जो उनसे रिलीज़ होते हैं वो जो है बहुत मेन कॉज है हमारे लैंड पोल्यूशन की। और इसको कम किया किस तरह किया जा सकता है कि हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कम कर दें, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं उनको हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। लाजमी नहीं कि एक दफ़ा यूज़ करने के बाद जो है वो बंदा चीज़ को फेंक दे, ठीक है। अब अगर वो आपके किसी काम में आ सकती है तो हमें चाहिए कि हम बार बार उसे रीयूज़ कर सकें जितना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ हाउ इज़ मेरीन लाइफ बींग अफेक्टेड बाई पोल्यूशन, सजेस्ट वेज टू ओवरकम दिस, कि मतलब हम लोग मैरीन लाइफ जो है वो किस तरह पोल्यूशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और हम किस तरह जो है इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ मैरीन लाइफ इज़ अफेक्टेड बाई ऑयल पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग एक्सीडेंट्स एंड डंपिंग वेस्ट। Other animals depending on this sea life as part of the food chain are also affected. Plastic and other waste can be fatal for them too. बच्चों, मैरीन लाइफ को जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो है कि जो शिप्स चल रही होती हैं वाटर के अंदर उनसे निकलने वाला जो ऑयल होता है वो सबसे ज़्यादा मैरीन लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वेस्ट मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जो है वो पानी के अंदर फेंक देते हैं, इससे भी जो है वो मैरीन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। और इस तरह जो एनिमल्स जो इस वाटर के अंदर रह रहे हैं सी एनिमल्स, ठीक है, उन पर भी ज़ाहिर सी बात है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा तादाद में मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो प्लास्टिक्स की चीज़ें या डिफरेंट कैंस वगैरह नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं जब ये वाटर के अंदर थ्रो करते हैं तो ये भी इनकी जान के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर टुडे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।